उसी टाइम में ना वैसे आपको बताना होता है कि आपको क्या चाहिए रोज, जो मेसमैन होता है रूम से भी अगर ऐसा रोज का हो तो कितना अच्छा लगे। सामने बिल्कुल सी वहाँ पे शायद वो सारे सारे अल्बेट्रोस बैठे हो जाए। शिप पे आ गया ना, आपको ये बॉक्सेस वाले मिल्क पी के देखो, मिल्क को अरे कौन सा ब्रांड है ये, जैसे पी के आपको टेस्ट ऐसा लगेगा जैसे कुछ सफ़ेद सफ़ेद पी रहे हो, बट वो क्या है ये पता नहीं है। जो मैं पीनट बटर लाया हूँ वो लगा के खाऊंगा। आपको बताना होता है कि आपको क्या चाहिए रोज, जो मेसमैन होता है अगर आप मेसमैन को बता दोगे तो उसके लिए इजी होगा, नहीं तो वो सोचेगा कि आप शायद कॉर्नफ्लेक्स या फिर आप ब्रेड ही खाते हो, ब्रेड जैम वगैरह। यहाँ से रूम से व्यू देखो कैसा प्यारा सा, रूम से व्यू अगर ऐसा रोज का हो तो कितना अच्छा लगे। सामने बिल्कुल सी वहाँ पर शायद वो सारे सारे अल्बेट्रोस बैठे हुए हैं, बैटरस हैं पता नहीं कौन से, वहाँ पूरी एजेंट की गाड़ी आई हुई है। सेकंड इंजन जो इस शिप पे था वो जा रहा है, और नहीं बोला सेकंड इंजन है जिन्होंने मुझसे मेरे साथ ज्वाइन किया था, मतलब तो वो एक दिन पहले आ गए थे, मैं एक दिन बाद आया हूँ, तो वो हैंड ओवर ले रहे हैं। बाकी यहाँ से सीधी रोड है, हाँ ये अल्बेट्रो से है शायद, बड़े बड़े सीगल आई थिंक। पहले दिन ये अलार्म बज गया है, साउंड ऑफ, अकॉर्डिंग अगर मुझे बाहर जाना भी है तो पहले मुझे डेडमैन अलार्म एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसके बाद जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई इंजन रूम में नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो बाकी सबको पता रहे कि अगर बाय चांस कुछ हो जाता है आपको तो वो डेडमैन अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। तो इसलिए आपको कभी भी अकेले इंजन रूम में जाना हो कभी भी, तो आपको डेडमैन अलार्म एक्टिवेट करके जाना होता है, और ये आपके ECR में होता है, इंजन कंट्रोल रूम में। आप जैसे एक्टिवेट करोगे 15 मिनट के बाद डेडमैन अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा, पहले प्री वार्निंग होगा और 12 मिनट और 3 मिनट के बाद डेडमैन अलार्म आपका एक्टिवेट हो जाता है। तो ये सिनारियो हर शिप पे होता है जहाँ पर भी अनमैन मशीनरी स्पेसेस होते हैं, मतलब जहाँ पे आपकी मशीनरीज ऑटो पे स्टार्ट ऑटो पे स्टॉप हो सकती है। तो अभी मैं भी ऊपर जा रहा हूँ जहाँ पे अभी कोई है तो काम करने का मन भी नहीं करेगा, और शिप पे आके ना ये होता है कि जिस दिन काम है उस दिन काम है, जिस दिन आराम है उस दिन बहुत ज़्यादा आराम है। इतनी तेज की जब साउंड बजती है तो ऐसा लगता है कि कान खड़ा पे यार क्या हो गया उसको। आपको अपना जैकेट लेके जाना होता है, लाइफ जैकेट एंड इमर्जन सूट, मेरे लिए सही है, मेरे डेक के बिल्कुल बाहर ही बस लाइफ बोट डेक है। सो दिस वन द स्टार्ट या जस्ट स्टार्ट यस सर ओके नाउ इट स्टार्टेड नाउ टेक द चेयर अहेड नाउ Take out the lever. Huh? Yeah. Ahead. Put ahead. Yeah. Put. अभी हम लोग वहाँ से मीटिंग से आते हैं, यहाँ पे फ्लाइंग फिश देख रही है अभी। वो क्या वो देख? हाँ वो रही ना, वो थी ना अभी जो फ्लाई कर रही थी छोटी सी, हाँ वो थी वाइट कलर की, बीच बीच में उड़ रही है। रूम ये मेन इंजन फ्यूल ऑयल प्योरीफायर है, ये है फ्यूल ऑयल प्योरीफायर और ये है लूब ऑयल प्योरीफायर। ये लूब ऑयल प्योरीफाई करते हैं और ये बेसिकली फ्यूल ऑयल प्योरीफाई करते हैं, जो आपका फ्यूल ऑयल होता है जिससे आपका जनरेटर मेन इंजन वगैरह सब चल रहा है, तो ये वाले प्योरीफायर वही होंगे लूब ऑयल के, वही होंगे हीटर।
का राउंड हो गया, एक घंटे का आपका राउंड होता है। आप राउंड में ये चेक कर लेते हो कि जो आपकी मशीनरीज हैं वो सारी ऑटो पे हैं और उनके पैरामीटर्स बिल्कुल एक्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे आपने सेट किए, तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होती है रात के राउंड में। अभी जैसे 9 से 10 के बीच में लिया है और अभी फिर सुबह 8 बजे हम जाएंगे, मतलब 10 बज गए 2 और 8, फिर से मतलब अप्रॉक्सीमेटली आपके फिर से 10 घंटे हो जाएंगे। ये भी मैं जब रूम से आया हूँ, रूम में भूख लग रही है तो इसलिए ब्रेड कॉफ़ी स्पेशली और साथ में अपना पीनट बटर जो मैं घर से लाया हूँ, ड्राई फ्रूट तो मेरे पास पड़े ही हैं, तो ये चीज़ें सही होती हैं जब जब पे आती हो तो ये ले आओ। मैं तो कहता हूँ सबको, अगर आपको खाना पसंद है, अगर खाना नहीं पसंद है तो फिर कुछ और। इसको एडिटिंग करते करते बहुत लेट हो गया, 2 बज गए, उतनी 3 बज गए हैं, 3 बज गए आज तो। अब बस सोने जा रहा हूँ, शिप रहता रहता ना ये चीज़ बड़ी गंदी हो जाती है, वीडियो एडिटिंग करने बैठो कुछ पता नहीं लगता। क्या कर रहा है ये? बस सोने जा रहा हूँ मैं तो, मैं तो बस सोने जा रहा हूँ। इसने मील अपना ना चल कोई नहीं भैया, चल तुम लोग कर लो, मैं कल करता हूँ यहाँ तो सुबह, ठीक है शाम को करता हूँ मैं। डूडू से बात करके अच्छा लगता है, रात को अभी लेट हो गया बट चल जब उससे बात कर लेता हूँ तो अच्छा लगता है कि चलो ठीक है डे जाए कैसा भी जाए, पर लास्ट में रात को जब सोने से पहले एक बार बात कर रहे हैं। बेसिकली प्यूरीफायर की शाफ्ट है और इसकी बेयरिंग अभी निकाली है, ये वाली जो बेयरिंग है ये निकाली है हमारे 4th इंजीनियर ने सूरज। तो ये बेयरिंग आपको चेंज करनी होती है बेसिकली रूटीन मेंटेनेंस पे। दाल देन दिस इज व्हाट, चिकन, चिकन स्पेगेटी माय फ्रेंड। Yeah, Philippines. My friend from Philippines. Yeah. New people on board. Yeah, yeah. chicken. Yeah, chicken. Okay. Little bit pasta and chicken. And dal I'll take. This is carrot. Yes. Oh, nice one. Okay. I'll take this also. Nice one. Aaj spaghetti, chicken, carrot. शिप पे वैसे ईटिंग हैबिट्स ना आपकी अच्छी हो जाती है अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो शिप पे, ठीक है नहीं तो अगर कुछ भी खाना चाहते हो फिर तो ब्रेड और चावल खाते रहो शिप पे।